हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी यहाँ पे अप्रैल मंथ की चल रही है, जिसमें कि हम लोग ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि न्यूज़ में रही है अप्रैल मंथ में, तो किस किस कंट्री किस के साथ हमारी कैसी कैसी रिलेशंस है डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि इंडिया भूटान है, देन यहाँ पे इंडिया लैटिन अमेरिका, इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी इससे आर्टिकल्स आते हैं। देन यहाँ पे हम लोग CPTPP के बारे में अगेन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स जो कि यहाँ पे शॉर्ट न्यूज़ होते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, बट हाँ यू शुड नो, ठीक है, ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि हमारा रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले अपने नेबर कंट्री भूटान के साथ। तो अभी न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि जो भूटान के किंग है वो हमारे देश में आए हुए हैं और उनका मेन यही है कि हमारे देश के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं, इट मीन्स कि जो दो कंट्री के बीच में यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसे बायलैटरल कहते हैं, यहीं पे अगर थ्री कंट्रीज़ आ जाएंगे तो ये ट्राई हो जाएगा और थ्री से प्लस हो जाएगा तो यानी कि ये मल्टीलैटरल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो वर्ड्स में मीनिंग होते हैं ना उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं हमारे देश में जब भूटान के किंग आए तो क्या क्या आउटकम्स निकल कर आए। सबसे पहले कि सपोर्ट टू भूटान, इट मींस कि यहाँ पे आप देखो कि 5 ईयर्स के लिए हमने यहाँ पे एडिशनल स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पे रखा है। ये जो हमारा स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी है, इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस पैसे के रूप में जो है हम लोग मदद करेंगे जो भी लो इनकम कंट्रीज़ है और जिनमें कि शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की ज़रूरत है। ओके, तो जिस कंट्रीज़ में लो इनकम है, ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता है, उस कंट्रीज़ में हम लोग यहाँ पे एक स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप देखो कि मदद भी करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जैसे कि यहाँ पे थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे जो है वो भूटान के लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब इंटरनेशनल गेटवे क्या होता है, इंटरनेट तो समझ रहे हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे क्या होता है, ये आप देखो कि कोई भी फैसिलिटी जो कि एक इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे वॉइस नोट भेज रहे हैं, कोई डेटा भेज रहे हैं डेटा से इंटरनेट से, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं, कोई इमेजेस भेज रहे या वीडियोस वगैरह भेज रहे दो कंट्री के बीच में, तो यहाँ पे उनके बीच में अब देखो हम लोग अपने देश में हैं, हम लोग आराम से जो है एक दूसरे को सब कुछ भेज पाते हैं, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप वगैरह, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री में भी है, भूटान में भी है, तो भी हम लोग जो है व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह वीडियोस फोटोज़ ये सब शेयर करना बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझो कि भूटान के साथ भी हम लोग थर्ड इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। इंडिया में आप देखो मल्टीपल इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे है, जैसे कि हम लोग मुंबई चाइना सॉरी चेन्नई अगरतला, ये सब देश है जहाँ से ये सब हमारे ही राज्य है जहाँ से हम लोग जो है इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है। इंटीग्रेशन आप देखो भूटान का जो ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है, ये इंडिया के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ जो है इसको भी इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही साथ आप देखो ई लर्निंग, कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये जो आप लोग भी मेरे लेसन देख रहे हो यूट्यूब में, ये भी एक मोड है ई लर्निंग का। तो ई लर्निंग के जो आप देखो कि कोऑपरेशंस यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि दोनों कंट्री जो है एक दूसरे को जो भी स्टूडेंट्स है लोग हैं वो ई लर्निंग पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। हाइड्रो पावर की अगर फील्ड में देखें तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को लेकर, जो कि भूटान में जैसे कि मांगडेचू चुका या फिर भोसचू, ये सारे जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा, वो भी वेस्ट बंगाल इंडिया जायगांव और यहाँ पे भूटान में क्या है तो ये आपका हो गया पुनशॉलिंग। ओके, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे पहला चेक पोस्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे आप देखो कि आसाम में ये खोकराझर और गेलेपू रेल लिंक है और साथ ही साथ यहाँ पे गेलेपू जो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शंस हो रहा है उसमें भी यहाँ पे हम लोग के द्वारा सहयोग किया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करें जिससे कि बेटर तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके। अब और भी एरियाज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग जो है एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। तो हाइड्रो पावर है म्यूचुअली, आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रो पावर जो कॉपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हम लोग एक दूसरे के साथ। साथ ही ट्रेड में आप देखो तो इंडिया जो है वो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम लोग जो है 2021 के बीच में बताया जा रहा है कि 1422 जो है मिलियन डॉलर तक का हमारे बीच में ट्रेड हुआ है। हम लोग आप देखो कि इंडिया से भूटान में सबसे ज़्यादा क्या क्या जाता है,
मिनरल प्रोडक्ट्स जाते हैं, मशीनरी है, मैकेनिज्म अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बेस मेटल्स है, व्हीकल्स है, वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ें हैं जो कि इंडिया से भूटान में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, अब मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट अगर हम लोग देखें जो भूटान से हमारे देश में आता है, तो हम लोग क्या क्या यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी है, फेरो सिलिकॉन है, पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह है, डोलोमाइट कार्बाइड्स जो कि कैल्शियम कार्बाइड्स ऑफ सिलिकॉन है, सीमेंट क्लिंकर्स है, वुड प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे कार्डेमम फ्रूट्स प्रोडक्ट, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि भूटान से हमारे देश में आता है। ठीक है, अब कल्चरल रिलेशंस देख लेते हैं कि हमारा और भूटान का कैसा है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि हम दोनों के बीच में एक बुद्धिज्म कनेक्ट करते हैं, हम लोग की सेम आइडियोलॉजी है बुद्धिज्म को लेकर। साथ ही इंडिया भूटान जो फाउंडेशन है ये 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसका एम है कि पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस जो है वो कल्चर फील्ड में उसको यहाँ पे और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है, उसी के साथ आप देखो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है ये परमानेंटली बेस्ड है किस चीज़ में, वेस्टर्न भूटान में। और आप देखो कि यहाँ पे एक दूसरे को सहायता भी किया जाता है जो ट्रेन वगैरह है इन सब में। और उसके अलावा आप देखो कि जो ईस्टर्न एयर कमांड है इंडियन एयर फोर्सेस के लिए, वो यहाँ पे भूटान को विद एयर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इंडिया का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि BRO जो है हमारा, इनके द्वारा बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ रोड्स जो है भूटान में बनाए गए, और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, दंतक। तो इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड कि दंतक क्या है, तो दिन तक आप समझो कि हमारा जो इंडिया का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा बहुत सारे रोड्स जो है भूटान में कंस्ट्रक्ट किए गए। फाइन, तो आप देख सकते हो कि हर एक फील्ड में हमारा जो है भूटान के साथ, क्योंकि हम लोग नेबर कंट्री है और भूटान के साथ हमारा रिलेशन ऐसे भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि जहाँ अच्छाई है वहाँ पर चैलेंजेस भी है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेगा। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले आप देखो कि भूटान एक ऐसा देश है जो कि बीच में आता है, ऊपर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा कि चाइना है, इसके साउथ में हम लोग हैं, तो समटाइम्स ये सैंडविच बन के रह जाता है। ठीक है, भूटान तो इसलिए चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो कई बार हमें भूटान पे देखने को मिला, चाइना डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है। नॉर्थ में आप देखो कि बहुत सारा एरिया है, जैसे कि यहाँ पे पश्चिम लंग जकरलंग वैली है, ये दोनों जो है कल्चरली आप देखो तो थिम्बू से ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता है। वेस्ट में अगर हम लोग देखें तो डोकलाम है, डोकलाम स्टैंड बाई आपने सुना ही होगा, और साथ ही साथ ये सारे एरिया है चाकचू है, चरितंगचू है। ठीक है, ये सारे वैलीज़ है जहाँ पे चाइना का क्लेम होता है। ठीक है, भूटान में वो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं। डोमिनेंस भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसा भी रीजन है ना जहाँ पे चाइना के द्वारा डोमिनेंस किया जाता है कि वो उसका एरिया है, और मेनली आप देखो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, एक चिकन नेक भी इसे कहते हैं, कि बहुत पतला सा ये रास्ता है और चाइना हमेशा इस रास्ते में घुसना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर जहाँ से इंडिया का जो आप देखोगे कि कनेक्शन है वो कट सकता है। हालांकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये हमारे ही देश में आता है, चलिए हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं जिससे आपकी कनेक्टिविटी जो है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ पर देखिए इस मैप में, इससे आपकी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी से आएगी। देखिए ये हमारा देश है, ठीक है, यहाँ पर ये नेपाल, दिस वन भूटान, एंड नीचे यहाँ पर बांग्लादेश। ये जो आपको दिख रहा है ना बिल्कुल ये वाली एरिया जो है इसको चिकन ने कहा गया है, दिस इज़ कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ओके, तो चाइना का आप जानते हो कि कई बार ये क्लेम जो है इस एरिया में करता है, और ये चीज़ हमेशा ये कोशिश करता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे ये अटैक करे, क्योंकि ये जहाँ पे जब अटैक होगा और ये जब पोर्शन कट जाएगा तो आप समझो कि हमारा जो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना वो इंडिया से के मेन पार्ट से अलग हो जाएगा। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया अगर इंडिया के मेन पार्ट से कनेक्ट है तो वो कनेक्ट है यहाँ पे चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी वाले कॉरिडोर से। तो इसी पे हमेशा आप देखो कि यहाँ पे भूटान में चाइना घुसने का कोशिश करता है, और फिर भूटान से चाइना आप देखो कि नेपाल में भी कई बार जो है नेपाल का भी दिमाग ख़राब करता है, नेपाल को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। तो ये चीज़ें हमेशा हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि नेपाल और भूटान एक ऐसा कंट्री है जो कि सैंडविच बन के रह गया हमारे और चाइना के बीच में। तो अगर हम लोग इन दोनों कंट्री को फेवर नहीं करते हैं तो फिर ये दोनों कंट्री जो है हमें धमकाने के लिए चाइना का सपोर्ट ले लेते हैं, तो अगेन एक हमारे लिए प्रॉब्लम अराइज़ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो चाइना और भूटान और नेपाल इन दोनों के साथ हमारा रिलेशन जो है हम लोग बेटर करने की हमेशा कोशिश करते हैं, और ये जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें यहाँ तक चाइना ना आ सके, क्योंकि आने के बाद जो है कई ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती है। ओके, उसके बाद आप देखो कि हमारे हाइड्रो पावर जो ट्रेड है उसमें भी इशू है। इंडिया का पास्ट चेंजेस जो है पावर परचेजिंग पॉलिसी में,
ये देखने को मिला है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया है जो हमारी पॉलिसी है पावर परचेजेज़ में। साथ ही हम लोग रिफ्यूज़ भी करते हैं कई बार कि ये एडमिट करने में कि भूटान जो है वो नेशनल पावर ग्रिड में आए। साथ ही इससे क्या है कि हमारे रिलेशन में थोड़ी सी खटास आ जाती है। हाई डाउट है मिलिटेंट्स को लेकर, जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, जैसे कि हमारा यहाँ पे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम हो गया, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोज़ हो गए, ये सब ऐसे हैं जो कि डेंस फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और वैसे भी आप देखो कि जो इस तरीके के एरिया में रहते हैं जहाँ पे जंगल ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे वो सारे डेंस फॉरेस्ट को यूज़ करते ही अपने छुपने के लिए, ठीक है। और कई बार आप देखो हाइड आउट भी है, हाइड आउट कहने का मतलब है कि वो छुपते हैं वहाँ से और इंडिया के अगेंस्ट में ही वो काम करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे कि एक 2003-04 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑल क्लियर, तो ये फर्स्ट एक्शन था जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा लिया गया था, भूटान के मिलिटेंट्स जो भूटान के द्वारा है तो उनके द्वारा लिया गया था। BBIN इनिशिएटिव आप देख सकते हो, एक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज किया गया है कि कैसे इस रीजन में कनेक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। और बेसिकली आप देखो कि इसको भूटान के द्वारा होल्ड करके दिया गया था, भूटान इसमें साथ नहीं दे रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा है इनके द्वारा कि एक इन्वायरमेंटल कंसर्न है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। एक्सेस टू ट्रेड की बात करें तो भूटान में आप देखो कि डाइवर्सिफाइंग किया जा रहा है, यानी कि वो अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। और बांग्लादेश तक पहुँचाने की बात करें और इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा एक प्रिफ्रेंशियल जो है ट्रेड एग्रीमेंट भी 2021 में साइन किया गया था, तो ये भी एक बात है। वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग देखें तो इनिशिएटिंग ट्राइलॉग है, इट मीन्स कि एक इस तरीके का कम्युनिकेशन चैनल हम लोग ओपन कर रहे हैं जिससे कि अनसर्टेनिटीज जो है ये कुछ पीस को लेकर या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो ये सब जो है कई बार आप देखो कि जैसे डोकलाम लाइक सिचुएशन अराइज़ हो गया जिससे कई दिनों तक, यानी कि मुझे लगता है 70+ डेज थे जो कि डोकलाम स्टैंड बाई में चला गया था। तो इस तरीके की जब अनसर्टिनिटीज़ आती है तो कई बार क्वेश्चन अराइज़ हो जाता है कि कहाँ शांति है, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग को एक अच्छे तरीके से डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट है उसको हम लोग को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक रिलेशन है भूटान के साथ, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को कुछ और फील्ड में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि फिनटेक हो गया, स्पेस टेक हो गया, बायोटेक हो गया, तो कुछ और फील्ड में हम लोग को और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है जिससे कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। साथ ही पीपल टू पीपल जो टाइस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर जो डिप्लोमेसी है ये भी आप देखो कि बुद्धिज्म के थ्रू हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो टूरिस्ट एक्सचेंजेस है वो भी और ज़्यादा इंकरेज करने की ज़रूरत है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। सिक्योरिटी मेजर्स अगर आप लोग देखो तो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है दोनों देशों के बीच में। साथ ही कुछ रियल टाइम शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है क्रिमिनल मैटर्स को लेकर। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट है और इस तरीके के बॉर्डर चेक पोस्ट में। साथ ही हम लोग को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे कि जो इंडो बॉर्डर, यहाँ पे इंडो भूटान बॉर्डर है, उसमें आप देखो कि कई बार जो है लोग आना जाना करते हैं, रिपैट्रिएट करते भी हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी मेजर्स भी हमें लेकर चलना होगा। ये सारे बहुत ही अच्छे वे फॉरवर्ड्स हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। चलिए और भी पॉइंट देख लेते हैं इंडिया भूटान रिलेशन में। देखिए भूटान की अगर आप बात करो तो इसको आपने मैप में देख लिया, दिस इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री, इट मीन्स कि चारों ओर से ये ज़मीन से घिरी हुई है और आप इंडिया और चाइना के बीच में ये दोनों ये कंट्री यहाँ पे बेसिकली है। एक ओपन बॉर्डर यहाँ पे शेयर करते हैं 4 इंडियन स्टेट्स, यानी कि हमारा जो कौन कौन सा राज्य है जिससे कि भूटान की बॉर्डर शेयर होती है, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश प्लस सिक्किम, ठीक है। अगर हम लोग देखें हेरिडेटरी मोनार्की से भूटान एक आप समझो कि 2-पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन चुका था मार्च 2008 में। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे लिए भूटान क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक जो इम्पॉर्टेंस है वो, भूटान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया और चाइना के बीच में, ये काफ़ी क्रूशियल है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। साथ ही इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें तो भूटान की जो एबंडेंट हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है उससे हमारी जो एनर्जी डिमांड है ना वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होती है और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा फुलफ़िल हो सकती है। साथ ही इन्वायरमेंटल कॉपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि शेयर्ड हिमालय इकोसिस्टम है, इंडिया और भूटान जो है एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में ये कोलैबोरेट करते हैं, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन है और डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो रीजनल इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंडिया भूटान की जो रिलेशनशिप्स है ये काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि कुछ जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे बिम्स्टेक है, तो इन दोनों में हम लोग दोनों कंट्री है तो इसमें हमारी जो रिलेशन है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाती है। पॉइंट इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमारे बीच में 1949 से चलते आ रहा है,
1968 में क्या हुआ कि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ हम दोनों के बीच में, साथ ही 1972 में फर्स्ट ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ। 2007 में हम लोग अपनी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को फिर से रिवाइज़ किए। 2018 में 50 ईयर्स ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज हमारा सेलिब्रेट किया गया, जो कि हम लोग एक दूसरे के साथ इतने सालों से है। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी रही हमारा और इंडिया भूटान के बीच में, तो जो कि हम लोग डिटेल में यहाँ पे देख चुके हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, और अगर इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन जाए तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि इंडिया लैटिन अमेरिका है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन की जो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया चार लैटिन अमेरिकन कंट्री। कौन कौन सा? तो पनामा, गुयाना, कोलंबिया और डोमिनियन रिपब्लिक। तो ये चार कंट्री हैं, आइए देख लेते हैं। हमारे यहाँ की ये पहली इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है जिनके द्वारा बायलेटरल विजिट किया गया इन सब कंट्रीज़ में। साथ ही साथ इनका जो है इंडिया सेंट्रल अमेरिका जो इंटीग्रेशन सिस्टम है उसको अटेंड किया गया फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट के लिए। साथ ही ये को चेयर भी किए हैं चार यहाँ पे इंडिया कैरिकॉम यानी कि कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो है ये भी इनके द्वारा चेयर किया गया। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये चारों कंट्री में अगर हम लोग यहाँ पे गए हैं और मिल रहे हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा है। गुइनिया में फ़ायदा ये है कि गुइनिया में आप देखो वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है गुइनिया। ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो वैसे भी तेल के भूखे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमें वेस्ट इंडिया के अलावा जो है वेस्ट एशिया के अलावा हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है गुइनिया, जिससे हम लोग अपने रिलेशन को स्ट्रेंथन करके वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करा सकते हैं। साथ ही पनामा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन ट्रेड पार्टनर है पनामा, और साथ ही साथ आप देखो कि ये इंडिया का गेटवे भी है, हम लोग लैटिन अमेरिका रीजन में आराम से यहाँ से हम लोग इंटर कर पाते हैं। और पनामा में आप देखो कि अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा भी है, यानी कि हमारे देश के लोग जो है पनामा में जाकर रहते भी हैं। कोलंबिया की बात करें तो हम लोग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी साइन किए हैं, आगे आने वाले दिनों में करेंगे नेक्स्ट ईयर से। साथ ही सप्लाईज़ करते हैं क्रूड ऑयल कोल इंडिया को, तो कोलंबिया से भी हमें जो है तेल और जो कोयला है वो हमें मिलता है। डोमिनिकन रिपब्लिक की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का एम्बेसी जो है वो इनॉग्रेट हुआ है। इंडिया का ऑटोमोबाइल जो डीलर्स है जैसे बजाज, हीरो, रॉयल इनफील्ड है, इनके द्वारा भी एक लोकल डीलरशिप्स वगैरह भी इस्टेब्लिश किया गया है डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो ये चारों कंट्री आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब फिर से मैप में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये देखिए कोलंबिया, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है कोलंबिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे गुइनिया की बात कर रहे हैं, गुयाना ये वाली देश है हमारा। फिर है डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है, ये वाली कंट्री हो गई। और फिर था एक ये आपका पनामा, ओके, दिस वन इज़ पनामा। ठीक है, तो पनामा वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, वो एक समय था कि पनामा बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत न्यूज़ में था, नाउ इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब हमारे देश के अगर एक्सटर्नल मिनिस्टर यहाँ पे कदम रख दिए हैं तो समझिए कि इससे किसी भी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिस फोर कंट्रीज़ आर इन न्यूज़, और इन चारों कंट्रीज़ को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि ये चारों कंट्रीज़ के साथ अगर हमारी रिलेशन अच्छी होती है, बेसिकली दिस थ्रीज, तो इसमें क्या है कि हम लोग अच्छे से यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं। ओके, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि जो जो मैप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ तो उसको आप अलग से एक फोल्डर बना के उसको सेव कर लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन यही सारे मैप से आप देखते हो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर कि ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं से भी गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया का लैटिन अमेरिका के साथ रिलेशंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले ट्रेड रिलेशन देखो, अगर हम लोग इंडिया और लैटिन अमेरिका की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई हमारा रहता है ट्रेड, यानी कि US डॉलर का 50 बिलियन तक देख सकते हो लास्ट ईयर का बताया जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर रहा है लास्ट ईयर, लेकिन जो यूक्रेन के साथ वॉर हुआ तो इससे हमारा जो सनफ्लावर ऑयल का जो सप्लायर था ना वो यहाँ पे थोड़ा सा हिट हो गया, क्योंकि आप देखो कि यूक्रेन के साथ वॉर होने के बाद यूक्रेन से हम लोग सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल जो है वो इंडिया में इम्पोर्ट होता था, तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है एडिबल ऑयल का लैटिन अमेरिका से ये इंक्रीज़ हो गया, हम लोग यूक्रेन को छोड़ कर फिर यहाँ से हम लोग तेल वगैरह ऑयल लेने लगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसको गोल्डी लॉक जोन भी बोलते हैं, एक ऐसा स्पॉट जो कि हाईली रेगुलेटेड है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है US और यूरोप का, तो इसलिए इस एरिया में हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इंडिया की जो IT कंपनीज़ है यहाँ पे आप देखो मोर देन 40,000 जो लोग हैं इस रीजन में आज के भी डेट में नौकरी वगैरह कर रहे हैं, और हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में वो यहाँ पे US डॉलर का 16 बिलियन तक भी है। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया का जो सोर्स है 15% जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ इसी कंट्री से हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस रीजन में आप देखो कि हमारी फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया जाता है। 5 times अगर आप देखो तो इंडिया से ज़्यादा यहाँ पे फूड सिक्योरिटीज़ है, और साथ ही साथ ओनली हैज़ हाफ एज मच पॉपुलेशन, यानी हमारे देश के कंपेरिजन में देखोगे हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में हम लोग तो टॉप कर गए, लेकिन लैटिन अमेरिका में देखो तो हमारे से भी आधे के आधे लोग हैं। इंडिया जो है पल्सेस वगैरह हो गया, ऑयल सीड्स वगैरह हो गया, तो ये सारे कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो लैटिन अमेरिका में आप देखो 40% तक ग्लोबल प्रोडक्शन होता है कॉपर का, 35% तक लिथियम यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे माइंस वगैरह भी एक्वायर करते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया, चाई, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपोर्ट भी करते हैं। डेवलपमेंटल कोऑपरेशन अगर आप देखोगे तो इस रीजन में ये मेन रेसिपिएंट है इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड का, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम लोग यहाँ पे लैटिन अमेरिका के एक्सपीरियंस से सीख भी पाते हैं कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र को लेकर, क्योंकि ये जो रीजन है ना ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली एक हाइलाइटेड भी है। साउथ साउथ कोऑपरेशन भी आप देखो, इंडिया के द्वारा फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है ये भी हमारा हुआ था विद 29 लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ के साथ। हम लोग जो है यहाँ पे ब्राज़ील को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म में, जैसे कि ब्रिक्स में है, IBSA में है, तो ब्राज़ील के साथ हमारे रिलेशंस जो है इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बेटर है। पीपल्स टू पीपल रिलेशन भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी, योगा, टीचिंग जो गांधी की है वो आज के भी डेट में वहाँ के लोगों के माइंड में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं है, और लोग इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अवेयर भी है। लेकिन फिर भी इन सारे कंट्रीज़ के साथ हमारी चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले कि लैक ऑफ मैकेनिज्म है, यानी कि हमने ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं बनाया जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से इस कंट्री के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सके, ठीक है। हालांकि हमारी रिलेशंस जो है ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइल के साथ बहुत अच्छी है, बट अदर कंट्रीज़ के साथ हमारी रिलेशन उतनी अच्छी नहीं है। फिजिकल डिस्टेंस जो है एक फैक्टर करता है, क्योंकि बहुत ही दूर आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका का। परसेप्शंस है फॉरेन पॉलिसी में, लैटिन अमेरिका जो था वो यहाँ पे 3 countries सर्कल से फार एंड आप देखोगे दूर है, और फर्स्ट सर्कल्स जो है यहाँ पे नेबरहुड है, यानी कि ये इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। सेकंड में आपका एक्सटेंडेड नेबरहुड है, और पर्टिकुलरली एशिया भी है। थर्ड और फाइनल सर्कल आप देखोगे तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, यानी कि इसमें लैटिन अमेरिका है। अगर अभी तक हम लोग देखें तो लैटिन अमेरिका का जो रीजन है वो यहाँ पे इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स है उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। लैक ऑफ FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ के साथ नहीं किए हैं, ये भी हमारी कमी है। साथ ही लिमिटेड इंगेजमेंट भी है अगर हम लोग चाइना के कंपैरिजन में देखें। इंडिया का जो एनुअल ट्रेड है ना यहाँ पे लैटिन अमेरिका के साथ, वो आप देखो कि $30 billion से लेकर $50 billion तक ही है, लेकिन वही अगर चाइना का देखो तो $400 billion तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड के कंपैरिजन में भी आप देखो कि हम लोग बहुत पीछे हैं इस कंट्रीज़ के साथ। तो हमें यहाँ पे मेनली फोकस करना होगा कि एक लैटिन अमेरिका पॉलिसी, यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हमें बनाना होगा जो कि बेसिकली हम लोग फोकस कर सके इन कंट्रीज़ के साथ। साथ ही हमें जो आज की डेट में ये PTAs है चिले और मर्कोरॉस के साथ, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी हम लोग को फोकस करना चाहिए जिससे कि हमारी जो ट्रेड है वो इन्हेंस हो सके। हमें कल्चरल लिंकेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ मीडिया हो, टूरिज्म हो, इन पे भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। हम लोग को सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ वगैरह लिवरेज करने की ज़रूरत है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यहाँ पे लिवरेज करने की ज़रूरत है विद लैटिन अमेरिका, ठीक है, जो कि काफ़ी क्लोज है चाइना के साथ। तो ये सारी बातें हुई जो कि हम लोग लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के साथ हम लोग ने देखा। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक कैरिकॉम यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। इस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ छोग्रामास जो कि 1973 में ये इफेक्ट में आया। इसमें टोटल 15 मेंबर्स कंट्री है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और मैंडेट है यहाँ पे 4 main pillars है। सबसे फर्स्ट वन है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सेकंड है फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, थर्ड वन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वन इज़ सिक्योरिटी। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो गियोना है यहाँ पे इसकी सेक्रेटेरिएट। रिलेशनशिप इंडिया की बात करें तो इंडिया की इंगेजमेंट जो है 2003 में स्टार्ट हुआ था, और हमने यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन किया है जो कि एक स्टैंडिंग ज्वाइंट कमीशन के साथ है। 2019 में देखें तो PM के द्वारा यहाँ पे ग्रांट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है कैरिकॉम में, और लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है जो कि सोलर है, रिन्यूएबल एनर्जी है और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमारी जो है यहाँ पे रिलेशन है वो अच्छी है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे SICE है, CA है, ये है हमारा सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। बेसिकली इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है 1991 में, और साथ ही साथ कोस्टा रिका में आप देखोगे कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, ये सब जो है पनामा वगैरह, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ है। इंडिया यहाँ पे मेंबर कंट्री नहीं है, तो इसलिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा सुने भी नहीं होंगे। एंड नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए।
प्रेसिडेंसी आप देखो कि हर 6 महीने में यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं उन पर प्रेसिडेंसी आपका रोटेट होते रहता है। और हमारा जो रिलेशन है इससे 2004 में स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग इसके मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इससे कनेक्टेड भी है। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा लैटिन अमेरिका के साथ रिलेशन। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड एंजॉय दिस लेसन, क्योंकि इसमें हमने इंडिया का, भूटान हमारे नेबर कंट्री, एंड एक लैटिन अमेरिका जो कि बहुत दूर के कंट्री है, इन दोनों के साथ हमने अपना रिलेशन देखा और हर एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया। तो प्लीज़ नोट डाउन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको नोट डाउन करते जाइए और टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए। इसी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर एट द एंड ऑफ द और डे आपको वही लगेगा कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। ओके, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से आप नोट डाउन भी करते जाओ। फाइन, तो गाइज आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। कल स्टार्ट करूँगी मैं इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलेटरल के साथ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, डाउट करिए, सजेशंस है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ओके, सो मेनी लॉट्स ऑफ मोड्स आपके पास है मुझसे कनेक्टिविटी के लिए। सो मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।